हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी अपडेट को लेके। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत 2160 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो बहुत जल्द ये फॉर्म यानी 1 अप्रैल से ऑनलाइन होना स्टार्ट होना था, तो इसको लेकर अब आई है एक बहुत बड़ी खबर। तो क्या खबर है उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बिहार में BSPHCL यानी बिजली विभाग के अंतर्गत टोटल आपको 2610 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आनी थी। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए फॉर्म का फी क्या है। जनरल BC और EBC से 1500 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपसे लिया जाएगा 375 रुपया। अब मेन बात यह है कि क्या नई अपडेट आई है। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था और ऑफिशियली भी यही अपडेट दी गई थी कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होना था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना था, बट 1 अप्रैल के दिन आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और वो बताया गया है कि अब आपका नया डेट क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि वैकेंसी रद्द कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई रद्द नहीं किया गया, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड किया गया, मतलब अभी तत्काल किसी टेक्निकल इशू के वजह से स्थगित किया गया है। तो अब नया डेट क्या होगा ये भी आपको पेपर वगैरह में डेट निकाल के बता दिया गया। आप उसका जो पेपर का कटिंग है या फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेलीग्राम से मेरे आप डाउनलोड करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, न्यू अप्लाई डेट आपका होगा 1 मई, तो 1 मई से आपका 31 मई तक अप्लाई होगा। और पहले आपको पता है कि एग्जाम का डेट भी बताया गया था कि मई जून में होगा, तो अब जैसा कि 1 महीने के लिए अप्लाई डेट को बढ़ा दिया गया तो आपकी संभावना यह है कि परीक्षा अब जून जुलाई में होगा। तैयारी बनाए रखिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा, उससे क्या होगा कि कभी भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी रहेगी। अब देख लेते हैं कि न्यू एज काउंट क्या होगा। पहले पता था आपको कि 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा, लेकिन अब फ्रेंड्स आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा 30 अप्रैल के अनुसार। तो एज क्या है, दो सारे बहुत अलग अलग तरह के पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आइए मैं बता देती हूँ। एज आपका टेक्नीशियन Grade 3 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष रहेगा। वहीं पर जो और भी अलग अलग पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष। आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, BC और EBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का। तो ये तो इसके रिगार्डिंग बेसिक जानकारी हो गई। हम लोग आगे ये भी चर्चा करेंगे किन किन पोस्ट पर वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, कितना पोस्ट है और क्वालिफिकेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस इन सभी पोस्ट के लिए क्या रहेगी। फ्रेंड्स, आपका होगा ऑनलाइन CBT। जी हाँ, नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया कि अब जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, उसके बाद सिंपल आपका DV और मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, पहली हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन Grade 3 की। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 है। टोटल इसके लिए जो पोस्ट है 2000 रहेगा। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी 2 साल का ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। उसके बाद आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024, 300 इसके लिए पोस्ट है। BCOM जिन्होंने कर रखा है वो सब एलिजिबल रहेंगे। फिर है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। इसके लिए आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का आपका 150 है और स्टोर असिस्टेंट का 80 रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो जो सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे।
अब उसके बाद जो हमारी पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE, आपका यहाँ पर देखिए GTO रहेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2024-40 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद लास्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024, पोस्ट है 40 एंड इसके लिए BE या फिर BTEC, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTEC होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये आपका जो सारा क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद DBE, फिर मेडिकल। तो चलिए देख लेते हैं मोटा मोटी तौर पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, आपका जो ये दो पोस्ट है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें आपका GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ से पूछा जाएगा। बाकी बात जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा ट्रेड रिलेटेड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे, DBE हो जाएगी, मेडिकल भी हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो बिहार में आपको जॉब करना होगा। फ्रेंड्स, उसमें आपको सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी आपका 36,800 से शुरुआत होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी 58,600 हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के पोस्ट है, तो सैलरी भी अप टू आपका हायर जाएगा। जिस जिस लेवल का जॉब है उस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। आई होप सारा कुछ इसके रिगार्डिंग आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी है, बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी रद्द हो गई है, घबराए नहीं, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। तैयारी की स्पीड को कंटिन्यू रखिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।